आगरा में चीन से लौटा युवक कोविड पॉजिटिव, संपर्क में आए सभी लोगों की होगी जांच, उन्नाव में भी मिला एक संक्रमित, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग की टीम। आगरा में कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में अलर्ट, यूपी में हाई अलर्ट के बाद जिला अस्पताल में बढ़ाए गए वेंटिलेटर और बेड। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी एक और चिट्ठी, अस्पतालों को हर वक्त तैयार रहने को कहा, विदेशों से आए यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट शुरू। कोरोना को लेकर डीएम संतोष राय ने आईजीआई एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के सनौली में कोरोना को लेकर अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा कोविड को लेकर तैयार है हम। कोरोना को लेकर कुशीनगर प्रशासन अलर्ट, सतर्कता बरतने के निर्देश। बागपत में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे लोग, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर अयोध्या प्रशासन अलर्ट, श्रद्धालुओं से मास्क पहनकर आने की गई अपील। कानपुर में रेलवे फाटक के पास दुकानों में आग से घंटों बची रही अफरा तफरी, लाखों रुपए का नुकसान। हरबंस मोहाल थाना इलाके का मामला, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड मामले में एक और पुलिसकर्मी अरेस्ट, मेथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे की गिरफ्तारी, अब तक 6 को भेजा जा चुका है जेल। राजधानी दिल्ली में अभी और बढ़ेगी ठिठुरन, दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। पीएम मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले साल 2022 कई मायनों में रहा खास, आगे भी भविष्य की तैयारी में जुटे रहना है। सीएम योगी ने लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम में की शिरकत, बोले दुनिया की पांचवी इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान, फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बताया बड़ी उपलब्धि। अमेठी में अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंची स्मृति ईरानी, मकान से सुनी मन की बात, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी को किया नमन, कहा अटल जी की शख्सियत बहुत बड़ी थी, जो सीख थी वो जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन, अटल जी को दी श्रद्धांजलि, लिखा आपका ऋषितुल्य जीवन सभी राष्ट्र आधारकों के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, राष्ट्रपति मुर्मू ने चर्च में की प्रार्थना, बच्चों को दिए क्रिसमस के तोहफे। समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, 2023 में मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव, गुजरात में एक सीट पर मिली जीत के बाद लिया फैसला। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल सिंह यादव समेत तत्कालीन अफसरों की भूमिका पर सवाल, जांच के घेरे में तत्कालीन कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका, घोटाले को लेकर कुछ और ठेकेदारों से पूछताछ की तैयारी। दिल्ली मेट्रो रूट पर ड्रोन गिरने से असर, जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के रूट पर रोकी गई सेवा, जांच के बाद मजंटा लाइन की सर्विस बहाल। सिक्किम में शहीद हुए यूपी के जवानों का हुआ अंतिम संस्कार, शहीदों के पैतृक गांव में लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। धर्म परिवर्तन को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा जबरन हर चीज बुरी होती है, बुरी नियत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों गलत। मायावती के धर्मांतरण को लेकर किए गए ट्वीट पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने बोला हमला, मायावती को अपने ट्वीट पर माफी मांगनी चाहिए, इनकी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े मुसलमानों का हुआ धर्म परिवर्तन। बुलंदशहर में 20 परिवारों के करीब 50 लोगों ने की घर वापसी, हिंदू धर्म गुरुओं ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में करवाई वापसी। जालौन में कुत्ता चोरी की अनोखी घटना, पालतू कुत्ते को वैन में डालकर ले गए चोर, कुत्ता चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, कुत्ता मालिक ने कुत्ता चोरों की पहचान की। कानपुर में सुरक्षा गार्ड चंद्र प्रकाश की हत्या का खुलासा, शराब का पैक छोटा बनाने पर दोस्त बना जान का दुश्मन। गाजीपुर में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने की रेड, 12 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज, बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज। अखिलेश के करीबी विधायक अतुल प्रधान के बेटे की साइकिल चोरी, स्टेशनरी शॉप से उड़ा ले गए चोर। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश का मामला, शाही ईदगाह कमेटी के सचिव ने आदेश पर उठाए सवाल, बिना नोटिस बिना समन के जारी किए गए आदेश। सिद्धार्थनगर में हुए सड़क हादसे में 20 से ज्यादा यात्री हुए जख्मी, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल, तेज रफ्तार बस के पलटने से हुआ हादसा।
कानपुर के जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में दो दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। शहर के एकमात्र बोर्डिंग स्कूल के समारोह में शामिल हुए डीसीपी विजय ढुल, मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। कानपुर विकास प्राधिकरण आईआईटी कानपुर की मदद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कर रहा है काम। इसकी मदद से भविष्य में शेयर मार्केट में जमीन की खरीद बिक्री भी हो सकेगी। जमीनों की खरीद फरोख्त में फ्रॉड पर भी लगेगी लगाम। महाराजगंज में एक दुकान में घुसा हिरण, दुकान में बैठे लोग भागे, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। शाहजहांपुर में सड़क पार करते वक्त तेंदुए की ट्रक से कुचलकर मौत, खेतों से निकलकर भाग रहा था तेंदुआ। अमरोहा के गांव चकनबाला में पेंटून पुल पार करना हुआ मुश्किल, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। कन्नौज में डीसीएम को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके से ट्रक चालक फरार, डीसीएम चालक की मौत, आलू व्यापारी की हालत गंभीर। अमरोहा में डीएम ने लिया रैन बसेरों का जायजा, ठंड को लेकर इंतजामों के लिए जानकारी। मेरठ में कृष्णकालीन सिक्के मिलने से हड़कंप, हसनापुर के सुरंग में मिले हैं सिक्के। संभल में अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद राम जलेबी को मिला इंसाफ, पूर्व प्रधान के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन। लखनऊ में नाले में गिरी कार, चार की मौत, दरवाजा ना खुलने से बाहर नहीं निकल सके, एक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में साइकिल चला रहे 6 साल के बच्चे को ट्रक ने मारी टक्कर, बच्चे के पैर में आई चोट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जालौन में कच्ची दीवार गिरने से एक शख्स की दर्दनाक मौत, अधिकारियों ने परिवार को दिया मदद का भरोसा। नोएडा पुलिस ने पकड़ी 60 लीटर शराब, 3,80,00,000 कीमत की शराब नष्ट की। आगरा नेशनल हाईवे पर पलटा पाइप से भरा ट्रक, रोड पर बिखरा पाइप, हाईवे पर लगा जाम। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने साइबर ठग गैंग का किया खुलासा, लोगों से की लाखों की ठगी। बागपत में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन ने किया कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीणों की जल निकासी समस्या का हुआ समाधान। बहराइच में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। कासगंज के सरकारी स्कूल में शिक्षकों में मारपीट, प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के बीच झड़प। मिर्जापुर में पुलिस की कार्यशैली पर कोर्ट का सवाल, सुलेमान को रिहा कर दिया बड़ा फैसला, कोर्ट ने एसआई समेत 3 पर केस चलाने को कहा, नशीले पदार्थ के साथ हुई थी 2021 में गिरफ्तारी। कौशाम्बी में पंचायत के फैसले के बाद पीड़िता से हुआ निकाह, फोटो वायरल करने वाले लड़के से हुआ निकाह। अलीगढ़ में खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप, इलाके में भगदड़ का माहौल। रुड़की टॉकीज के पास एक होटल के बाहर लड़कियों में मारपीट, लड़कियों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। बहराइच में सवारियों से भरी डबल डेकर टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराई, कई यात्रियों को आई चोट। मेरठ पुलिस का ऑपरेशन ड्रोन, गौ तस्करी और शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस चला रही अभियान। गाजीपुर में चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 10 चोरी की बाइकें बरामद। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश हुआ जख्मी, पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। लखीमपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया सुशासन दिवस, लोगों से मास्क लगाने की अपील की। आगरा के राजपुर चुंगी पर बने वी बाजार में स्टाफ को जबरन पहनाया गया सेंटा कैप, योगी यूथ ब्रिगेड ने किया प्रदर्शन। कौशाम्बी में दिनदहाड़े घर में घुसकर युवती से रेप, युवती को धमकी देकर आरोपी फरार। कानपुर में गरीबों को पीएम आवास मिला तो छल के आंसू, 25 लोगों को मकानों की चाबी सौंपी गई। 2019 में सीए के विरोध में आगजनी का मामला, अब 86 दोषियों से होगी लाखों की वसूली। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में छात्र की मौत से हड़कंप, बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र आर्यन पांडे की हॉस्टल में मौत, ज्यादा नशा करने के कारण मौत की आशंका। अलीगढ़ में पिस्टल से केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो वायरल, सड़क के बीचों बीच कार लगाकर केक काटते दिखे युवक। मेरठ में क्रिकेट खेलने के लिए गांधी बाग गया बच्चा लापता, पुलिस लापता छात्र की तलाश में जुटी।
अमरोहा में हाई टेंशन बिजली लाइन से टकराकर फर्नीचर से भरी डीसीएम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। गोमती नदी में कार का गिरने के मामले में चौथे युवक का शव बरामद, चार दिन पहले हुआ था हादसा। मुजफ्फरनगर में बंधक बनाकर हुई डकैती का खुलासा, पुलिस ने 8 डकैतों को गिरफ्तार किया। बागपत में दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला, कई लोग हुए जख्मी। चंदौली में डीजल से भरा टैंकर जिसमें लगी आग, वाराणसी बिहार लाइन पर रुकवाई गई आवाजाही। महाराजगंज में 12 रैन बसेरे किए गए संचालित, 60 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। यूपी के कानपुर में बड़ी ठंड, शीतलहर की वजह से लोग आग तापते और चाय पीते नजर आए। दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया, आज और कल के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची, स्मॉग के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी। ठंड बढ़ने से अमृतसर में आज घना कोहरा छाया, ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते नजर आए। राजस्थान के सीकर में कड़ाके की ठंड, सीकर में तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया, सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। हर्षिल घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। देहरादून में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम, एबीवीपी ने 40 से ज्यादा सीटें जीती। ऋषिकेश में ललित मोहन शर्मा महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव, एनएसयूआई की प्रत्याशी साक्षी तिवारी को मिली जीत। गुरकीरत सिंह भुल्ला छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए, सूर्यम श्रीवास्तव को 519 वोट से हराया। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने अंतिम गांव चौमासी में लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। चंपावत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय किताब मेले का आज आखिरी दिन, मेले में 50 प्रकाशकों की किताबों के लगे स्टॉल। उत्तरकाशी के पुरोला में धर्मांतरण मामले में कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। देहरादून में निलंबित आईएफएस पर विजिलेंस कसेगा शिकंजा, किशन चंद को रिमांड पर लेने की तैयारी में विजिलेंस, वन विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का आरोप। रुद्रपुर में मिलावट के खिलाफ अभियान, मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण, 4 दुकानों पर कार्रवाई, 2 को नोटिस। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने दी हिदायत, स्टोन क्रैशर मालिकों को चेतावनी, नदी में मशीनों को उतारकर खनन नहीं। देहरादून में कांग्रेस के हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जंग, बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को नौटंकी करार दे रही है। एसएसपी सीटीसी सेंटर श्रीनगर को मिला तीसरा डीआईजी, परीक्षित बेहरा ने संभाली कमान। गणेश गोदियाल का सरकार पर हमला, विद्युत परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांडा महोत्सव का रंगारंग समापन, 3 दिनों में दिखी संस्कृति की छटा, छोड़ा चाचरी नृत्य से जीता दिल। पेरिस में पुलिस के साथ कुर्द समुदाय की झड़प, रिपब्लिक स्क्वायर के पास कई गाड़ियों को लगाई गई आग, 3 लोगों की हत्या से थे नाराज। अमेरिका के ओहियो में छाया घना कोहरा, कई गाड़ियों में हुई टक्कर, एक शख्स की मौत। रूस के केमेरोवो में एक घर में लगी भीषण आग, अब तक 22 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी। ब्राजील में एंटी बम पुलिस ने हवाई अड्डे के आसपास सर्च अभियान चलाया, संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद चलाया गया अभियान। मीरपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट जीता, श्रेयस अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी कर जीत दिलाई।